हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्लास फोर की साइंस एंड चैप्टर नंबर टू इकोसिस्टम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर वन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट, किसी भी माहौल में गैर जानदार चीज़ों का निज़ाम। एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग्स, वो इलाका जहाँ पर जानदार और मुर्दा चीज़ें पाई जाती हैं। सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट, किसी भी माहौल में जानदार चीज़ों का निज़ाम। या कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया, किसी भी इलाके में एबायोटिक और बायोटिक अज्जा का मजमूआ। तो करेक्ट आंसर है कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। नंबर टू है, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एनिमल्स, प्रोड्यूसर्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो करेक्ट आंसर है लिविंग थिंग्स। नंबर थ्री, फूड चेन बिगन्स एट अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से शुरू होती है। बिगन्स एट अ कंज्यूमर, कंज्यूमर से शुरू होती है। बिगन्स एट अ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर से शुरू होती है। एंड्स एट अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर पर ख़त्म होती हैं। तो राइट आंसर है बिगन्स एट अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर से शुरू होती है। नंबर फोर है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के तहफ़ुज़ के लिए क्या किया जा रहा है? फॉरेस्ट आर बींग कट, जंगलात का खात्मा किया जा रहा है। रोड्स आर बींग बिल्ड, सड़कें बनाई जा रही हैं। ट्री प्लांटेशन इज़ बींग डन, शजरकारी की जा रही है। फैक्ट्रीज आर बींग इंस्टॉल्ड, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। करेक्ट आंसर है ट्री प्लांटेशन इज़ बींग डन, शजरकारी की जा रही है। नेक्स्ट है, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इफ़ इंसेक्टिसाइड्स आर यूज देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल, अगर कीड़ों की आबादी पर काबू पाने के लिए कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो परिंदों की आबादी इनक्रीज बढ़ जाएगी, डिक्रीज कम हो जाएगी। डिक्रीज फर्स्ट देन विल इंक्रीज, पहले कम होगी फिर बढ़ जाएगी। इंक्रीज फर्स्ट देन विल डिक्रीज, पहले बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है डिक्रीज, क्योंकि परिंदे जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े ही खाते हैं, तो अगर हम कीड़े मार दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो जब वो कीड़े परिंदे खाएंगे तो उन उसका असर उन पर भी होगा, इस तरह परिंदे भी मर जाएंगे और उनकी आबादी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन एनवायरनमेंट। द सम ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानदार और बेजान चीज़ों के मजमूए को एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ थ्री बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के तीन बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम लिखें। द थ्री बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, नंबर वन प्रोड्यूसर, नंबर टू कंज्यूमर और नंबर थ्री डीकम्पोजर्स। राइट द नेम्स ऑफ थ्री एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के तीन एबायोटिक अज्जा के नाम लिखें। द थ्री एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर टेम्परेचर, एयर, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ सिंपल फूड चेन। एक सिंपल फूड चेन बनाएं। तो फूड चेन है प्लांट, प्लांट को खाता है ग्रास हूपर और ग्रास हूपर को खाता है रैट और रैट को खाता है आउल। तो इस तरह ये एक फूड चेन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द प्रेडिएटर्स। इफ़ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, अगर खुराक के वसाइल बढ़ेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ प्रेडिएटर विल इंक्रीज, तो प्रेडिएटर की आबादी बढ़ जाएगी। एंड पॉपुलेशन ऑफ प्रे विल डिक्रीज, और प्रे की आबादी कम हो जाएगी। अगला सवाल है, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को मुतासर करने वाली दो इंसानी सरगर्मियां लिखें। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इकोसिस्टम। नंबर वन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात की कटाई। नंबर टू, ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का ज़्यादा शिकार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड कंपटीशन अमंग लिविंग थिंग्स इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। किसी मतवाजन इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी और जानदारों के माबैन मुकाबले का आपस में क्या ताल्लुक है? रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर फूड। किसी भी माहौल में तमाम जानवर अपनी खुराक के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। दे मेक अ फूड चेन। वो एक फूड चेन बनाते हैं। इफ़ वन पार्ट ऑफ द फूड चेन इज़ डिस्टर्ब, अगर फूड चेन का कोई एक भी पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड, तो दूसरे तमाम जानदारों पर उसका असर पड़ता है। कंपटीशन अकर्स व्हेन मोर देन वन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू यूज़ द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। मुकाबला तब पैदा होता है जब महदूद वसाइल को ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्पीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर वो महदूद वसाइल के लिए सारे जानदार मुकाबला करने की कोशिश करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ईच ऑर्गेनिज्म टू गेट द रिसोर्सेज दे नीड, तो हर जानदार के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। दिस कंपटीशन अफेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी, ये मुकाबला बायोडाइवर्सिटी पर असरअंदाज होता है, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ईच अदर इन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में तमाम जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्वेस्टिगेट। ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बर्ड। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा और सबसे वजनी परिंदा है। बट दे कैन नॉट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडिएटर, अपने शिकारी से बचने के लिए, दे फाइट विद देयर स्ट्रॉन्ग पॉ एंड रन अवे एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अपने शिकारी से लड़ने के लिए वो अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं और 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भागते हैं। द लाइट ब्राउन कलर्ड फीमेल लेज एग, हल्के कथई रंग की फीमेल जो है वो अंडे देती है। शी सिट्स ऑन एग्स एट द डे टाइम, दिन के वक्त वो अंडों पर बैठती है। द ब्लैक कलर्ड मेल, काले रंग का मेल ऑस्ट्रिच वार्म्स द एग्स एट नाइट, और जो मेल शुतुरमुर्ग होता है वो रात को अंडों पर बैठता है। एनालाइज द डिफरेंस इन द कलर एंड स्टेट, कलर और स्टेट में क्या फ़र्क है इसको एनालाइज करें, इसका तज्जिया करें। इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द कलर ऑफ एन ऑस्ट्रिच एंड इट्स एनवायरनमेंट, क्या शुतुरमुर्ग के रंग में और इसके माहौल में कोई ताल्लुक है, तो वो बताएं। आंसर है, द मेल ऑस्ट्रिच हैज़ ब्लैक फीदर्स एंड फीमेल ऑस्ट्रिच हैज़ ब्राउन फीदर्स। मेल शुतुरमुर्ग के काले पर होते हैं और फीमेल शुतुरमुर्ग के ब्राउन पर होते हैं। दिस इज़ फॉर कैमोफ्लाज, ये अपने आप को छुपाने के लिए होता है। द फीमेल सिट्स ऑन द एग्स ड्यूरिंग द डे, फीमेल दिन के वक्त अंडों पर बैठती है। विद ब्राउन एंड ब्लैक फीदर्स, प्रेडिएटर्स कैन नॉट सी इफ़ दैट इट इज़ ऑस्ट्रिच सिटिंग ऑन एग्स। भूरे और काले परों की वजह से शिकारी जानवर ये नहीं देख सकते कि शुतुरमुर्ग अंडों पर बैठा हुआ है, क्योंकि दिन के वक्त जो झाड़ियाँ होती हैं वो ब्राउन से कलर की होती हैं, तो वो उसका कलर शुतुरमुर्ग के कलर से मैच कर जाता है। इसी तरह जब ब्लैक कलर का ऑस्ट्रिच रात को बैठता है तो अंधेरे की वजह से काला रंग नज़र नहीं आता और वो अपने शिकारियों से बच जाते हैं। अब आपके लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है, मेक अ मॉडल ऑफ इकोसिस्टम यूजिंग एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए यू विल नीड एटलीस्ट 2 बॉटल्स, आपको 2 बोतलें चाहिए। कट द बॉटल्स एज शोन इन द पिक्चर, बॉटल्स को उस तरह काटें जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है। इन द फर्स्ट बॉटल पोर वाटर टू शो एक्वाटिक इकोसिस्टम, पहली बोतल में पानी डालें एक्वाटिक इकोसिस्टम को शो करने के लिए। इन द सेकेंड बॉटल, दूसरी बोतल में, टू शो द लैंड इकोसिस्टम पुट सॉइल एंड अ स्मॉल प्लांट, ज़मीन के इकोसिस्टम को दिखाने के लिए उसमें मिट्टी डाल दें और एक छोटा सा पौधा लगा दें। नाउ कनेक्ट इकोसिस्टम ऑफ बोथ द बॉटल्स, कनेक्ट सॉइल विद द वाटर विद अ थिक थ्रेड,
अब दोनों इकोसिस्टम्स को जोड़ने के लिए दोनों के दरमियान में एक मोटा सा धागा लगा दें, सो दैट द प्लांट मे रिसीव वाटर एंड मिनरल्स, ताकि पौधा पानी और मिनरल्स को रिसीव कर सके। अब आपका क्या काम है, ऑब्जर्व इट डेली, इसका रोज़ाना मुशाहिदा करें एंड राइट रिपोर्ट ऑफ द रिज़ल्ट, जो भी नतीजा निकले उसे लिखें। जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे आफ्टर फ्यू डेज़ द प्लांट विल ग्रो एंड रिमेन फ्रेश, चंद दिनों के बाद पौधा बड़ा भी हो जाएगा और फ्रेश भी होगा। इट इज़ बिकॉज द थिक थ्रेड डिप्ड इन वाटर सप्लाइज वाटर टू द सॉइल, इसकी वजह यह है कि जो आपने मिट्टी में धागा डिप किया हुआ था वो मिट्टी को पानी सप्लाई करता रहेगा। द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, जड़ें मिट्टी में से पानी को जज्ब करती रहेंगी। प्लांट यूजेस एयर वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड, पौधा खुराक बनाने के लिए हवा पानी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट इन एन इकोसिस्टम एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये एक्टिविटी हमें बताती है कि इकोसिस्टम में एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। तो ये थी चैप्टर 2 इकोसिस्टम की एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।